देवताओं का विशेष गुण था, प्रसन्न था, प्रसन्न था। इसलिए मैंने कहा आप मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि मैं जिस सिटी से आया हूं मुंबई, हमारे इधर मुस्कुराने के लिए एक स्पेशल जगह पे जाना पड़ता है। कौन सी जगह है? लाफिंग क्लब, और वो भी फ्री में नहीं है, पैसा फेंकना पड़ता है तभी हंस सकते हैं आप। यस और नो? माना हम ऐसे एज में अभी पहुंच गए कि मुश्किल लगते हैं हंसने के लिए। यस और नो? इसीलिए मैं देखना चाहता था आपसे कि रियली इज इट पॉसिबल। देवताओं की बहुत सारी विशेषता है, पर देवताओं में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं श्री कृष्ण को एक रोल मॉडल के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ हिंदू फिलोसॉफी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। ब्रह्मा कुमारी का जो लक्ष्य है, बाबा ने हमको जो लक्ष्य दिया है, नर ऐसे करनी करे जो नारायण बने, और नारी ऐसे करनी करे जो लक्ष्मी बने। तो एक हमारे फॉरेनर्स आए था, बाबा से मिल रहा था, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था। तो बाबा ने पूछा तुम ऐसे क्यों? बोलता है ये दिस इज ऑल हिंदू फिलॉसफी। बाबा ने कहा दिमाग से थोड़ी देर के लिए आप हिंदू निकाल दो, मुझे बताओ एक संपूर्ण व्यक्ति कैसा होना चाहिए। एंड ही सेड कि वो खूबसूरत होना चाहिए, और वो हेल्दी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? बोला कि वो रिच होना चाहिए, वो समृद्ध और संपन्न होना चाहिए। तो फिर बाबा ने उसको लक्ष्मी नारायण का फोटो दिखा के पूछा, तो तुमको नहीं लगता है कि ये संपूर्ण और संपन्न है? आर्य देह? तब उसकी आंखें खुल गई, है ना। ही वॉज फाइटिंग विद द लेबल ऑफ लक्ष्मी एंड नारायण। थोड़े समय के लिए आप ये लेबल निकाल दो एंड जस्ट लुक एट द ह्यूमन बीइंग इन इज परफेक्शन, कैसे होगा वो खूबसूरत होगा। पर यहाँ पर मैं श्री कृष्ण का लाइफ इसलिए बता रहा हूँ कि श्री कृष्ण को हम अलग अलग रूपों में देखते, एक बालक और मालिक, कभी वो माखन खा रहा है बच्चा, और कभी बैटल फील्ड पे एडवाइस दे रहा है। सो एक जगह पे वो बालक है तो एक जगह पे मालिक है, कभी वो प्यार में है तो कभी अनुशासन डांस कर रहा है ना। तो श्री कृष्ण के जीवन में क्या है? बैलेंस, बैलेंस है। और आज एज एन एलोपैथिक डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूं, हेल्थ इज ऑल अबाउट बैलेंस इन लाइफ। बैलेंस माना ही हेल्थ, और जो अपने जीवन में बैलेंस रखता है उसको जीवन जीने की कला आ गई। बैलेंस, आर यू बैलेंस राइट नाउ? आपका पोजिशन बैलेंस है क्या? कई लोगों को मैं ऑब्जर्व करता हूं, देयर पोजिशन इज रॉन्ग वाइल सिटिंग। कैसे बैठते हैं मैं दिखा रहा हूं ना, ऐसे बैठते हैं, ऐसे है ना। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपका बैक मसल्स ना आपको इशारा देगा, सर प्लीज सीधा बैठ जाइए, मुझे दर्द हो रहा है। हाँ, तब आप ऐसे बैठेंगे। दिस इज बैलेंस, आर यू देयर? सो कई बार हमारे पोस्चर जब बैलेंस में नहीं रहते हैं ना, हमको प्रॉब्लम। छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं। आपने न्यूज एंकर को देखा है कैसे खड़े रहते हैं? न्यूज एंकर का पोजीशन बैलेंस, वो ऐसे खड़े रहेंगे, हैंड्स विल बी लाइक दिस। कोई भी न्यूज एंकर ऐसा या ऐसा खड़ा नहीं रहता है, दैट इज नॉट बैलेंस, क्योंकि आपको तकलीफ होगा बाद में। मैं छोटी बात बता रहा हूं पर ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अभी भी जो लोग क्रॉस लेग करके बैठे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ी देर बाद आप अपना पोजिशन चेंज करने वाले, कॉन्शियस हो गए। बट दिस इज वॉट शुड गो इन योर माइंड। योगी माना कोई जंगल में नहीं रहता है। कई लोग ना ब्रह्मा कुमारी से डरते हैं, कुछ लोग क्यों डरते हैं? बाप रे, इधर गए तो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने की कुछ जरूरत नहीं है, हमको अलर्ट रहना है। योगी इज हु इज अलर्ट ऑल द टाइम, कॉन्शियस रहता है, ही इज लिविंग कॉन्शियसली, दैट इज अ साइन ऑफ योगी। डू यू एग्री? आर यू लिविंग कॉन्शियसली? बिकम कॉन्शियस एवरी मोमेंट एंड लिव इन बैलेंस। और मैं बता रहा हूँ कि बैलेंस का डेफिनेशन WHO ने दिया है, मेरा नहीं है ये एलोपैथी, WHO का डेफिनेशन है। WHO क्या कहता है? हेल्थ इज नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी, बट इट इज कंप्लीट। कंप्लीट क्या? फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। अभी बताओ एज पर दिस डेफिनेशन आप में से कौन कौन हेल्दी है? फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, चारों डायमेंशंस में। अच्छा,
Let's go ahead. At least you think. Correct. तो ये चार डायमेंशन है ना? और चारों डायमेंशन का अपना सिग्निफिकेंस है, चारों जरूरी है। जैसे कुर्सी के कितने पैर होते हैं? अगर एक पैर भी ठीक नहीं है तो वुड यू बी स्टेबल? मैं एक सवाल सभी कॉर्पोरेट में पूछता हूं, आपसे भी पूछूंगा, शुड आई पूछो? मुझे बताओ, इफ गिवन अ चॉइस इन योर लाइफ, आपको अगर चॉइस दी जाए अपने जीवन में, तो व्हाट वुड यू प्रीफर, अ सक्सेस इन लाइफ और स्टेबिलिटी इन लाइफ? सक्सेस चाहिए या स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज इफ यू आर सक्सेसफुल बट इफ यू आर नॉट स्टेबल, देन आर यू सक्सेसफुल? दिस इज व्हाट आई हैव सीन। और यहाँ पे बैलेंस चला जाता है लोगों का। मैं खुद मुंबई से हूँ तो बॉलीवुड को नज़दीक से जानता हूँ, है ना, और बहुत लोगों से मिला हूँ, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज। तो हम हर एक डायमेंशन को देखेंगे। मैंने क्या देखा है, आजकल वैल्यू सिस्टम बदलते जा रहा है। पीपल लूज देयर हेल्थ टू अर्न द मनी, एंड व्हेन दे अर्न मनी दे लूज दैट अर्न मनी टू रिगेन द लॉस्ट हेल्थ। बैक टू स्क्वायर वन। कहीं आप तो ऐसा नहीं करते हैं? लोग पैसा कमाने के लिए अपना स्वास्थ्य गंवाते हैं, और जब पैसा कमा लेते हैं तब फिर से वो स्वास्थ्य पाने के लिए कमाया हुआ पैसा खर्चा करते। सो दिस इज नॉट अ बैलेंस, आर यू देयर? और ऐसे ही कई कॉर्पोरेट वाले लोग रिलेशनशिप्स को लास्ट प्रायोरिटी, उनके लिए टॉप प्रायोरिटी मेरा करियर, करियर, करियर में मैं आगे जाना चाहता हूं, यस आर नो? और जब करियर में आगे पहुंच जाते तब पता चलता है कि रिलेशनशिप्स बचे नहीं है, क्योंकि मैंने रिलेशनशिप्स के लिए टाइम नहीं दिया। सो दिस इज अगेन अ बैलेंस। तो बैलेंस इज वेरी क्रिटिकल। ब्रह्मा कुमारी में ये स्लोगन है, बैलेंस लीड्स टू ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग्स लीड्स टू ब्लिस। अगर आप अपने जीवन में आनंद चाहते हो तो बैलेंस जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बैलेंस है तो ब्लेसिंग अपने आप मिलती है। और जिसके पास ब्लेसिंग है वो हमेशा कैसे रहेगा? आनंद में रहेगा। क्या आप आनंद में हैं? हाँ। चेहरा बताता है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ब्लिस में होगा ना, उसका चेहरा बताएगा। एवरी सेल ऑफ द बॉडी ऑफ दैट पर्सन विल वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लिस। बैलेंस किस किस का चाहिए? दिल और दिमाग का बैलेंस चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। दिल और दिमाग, आराम और कसरत का बैलेंस चाहिए, प्रेम और अनुशासन, लव एंड लॉ का चाहिए, गंभीरता के साथ रमणीकता भी चाहिए, कर्म और योग का बैलेंस चाहिए। एवरीथिंग इज अ बैलेंस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपकी बॉडी भी बैलेंस के ऊपर चलती है। ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। इसको टेक्निकल नाम अलग है, होम्योस्टेसिस, पर मैं सिंपल नाम बता रहा हूँ, बैलेंस। जीवन में कला बैलेंस की होती है। कब बोलना है और कब नहीं बोलना, ये भी बैलेंस चाहिए। आदमी बोलने को कब चालू करता है, कौन सी उम्र में? जिनकी शादी हुई है उनको तो पता है। बच्चा कब बोलना चालू करता है? डेढ़ और दो साल के बीच में, बराबर है ना? तो डेढ़ दो साल के बीच में बोलना चालू करता है, लेकिन क्या बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, इसके लिए पूरी जिंदगी चली जाती है, यस और नो? तो क्या आपके बोल में बैलेंस है? थिंक, है ना, बोल में बैलेंस चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। अदरवाइज इट्स वेरी टफ। मेरे पास बहुत केसेस है, मैं आपको बताने वाला हूं। एक बहुत फेमस स्पीच था, किसका? सीईओ ऑफ कोका कोला कंपनी, है ना, 30 सेकंड का स्पीच, ब्रायन। उन्होंने क्या कहा, लाइफ इज लाइक जगलिंग ऑफ 5 बॉल्स इन द एयर। 5 बॉल को एक साथ जगलिंग समझते हैं, वो ऐसे हवे में उड़ाते हैं। अभी इसमें कौन कौन से, स्वास्थ्य है, वर्क है, स्पिरिट है, फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये सब चारों है ना ग्लास के बॉल है, पर ये वर्क का बॉल है, रबर बॉल। इफ इट फॉल्स इट विल बाउंस बैक, लेकिन अगर बाकी के 4 बॉल गिर गए तो
टूट जाएंगे, यस। और फिर बहुत मुश्किल होता है। अब मेरे सामने जो मेजॉरिटी केसेस आते हैं मुंबई और ऑल ओवर इंडिया में, ऐसे नहीं कि उनके पास किसी चीज की कमी है लौकिक से देखा जाए तो मुझे वो गजल याद आते है, ऐसा नहीं कि हमको कोई खुशी नहीं है, लेकिन लेकिन ये जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं है। समथिंग इज ऑलवेज मिसिंग। आपको ये फीलिंग आ रहा है कि कुछ तो मिस हो रहा है, यू आर लूजिंग बैलेंस इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं आपने बैलेंस खो दिया है। आप में से कितने लोग फैमिली वाले, जरा हाथ खड़ा करो, फैमिली वाले, अच्छा मेजॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप में से कितने फैमिली वाले खाना सभी एक साथ खाते हैं? हाँ चलेगा, वन मील, एटलीस्ट वन मील। अच्छा अगला सवाल पूछो, जब खाना खा रहे होते हैं टीवी और मोबाइल किसका बंद रहता है? दैट्स वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड, काफी लोग हैं। खाना तो कम से कम एक साथ खाओ, आपका सोशल हेल्थ कहाँ है, फैमिली हेल्थ। आई एम सेइंग आजकल न्यूक्लियर फैमिली आ रही है ना, बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं कि हम आपस में बात करें। मैं इसके ऊपर बोलने वाला हूँ। एक भाई हमारे मुंबई में, एक भाई से बात कर रहा था, उसने बोला आपको कहीं तो मैंने देखा है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे है क्या? बोला नहीं नहीं मैं व्हाट्सएप पे नहीं। बोलता आप मेरे फेसबुक पे है क्या? बोला नहीं नहीं मैं फेसबुक पे भी नहीं। अच्छा तो ट्विटर पे है? बोला नहीं। अच्छा इंस्टाग्राम पे है? अरे बाबा नहीं, मैं नहीं हूँ इन सब ग्रुप में वगैरह। तो आपको कहाँ देखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो वो बोलता है भाई साहब मैं आपका पड़ोसी हूँ, बाजू में रहता हूँ।